उसी समय एक भूसे से हनुमान जी के एक प्रहार से लंकनी के मुख से रुधिर की उल्टी हो गई, वमन उल्टी हो गई, रुधिर खून निकला और वो उसने हनुमान जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा कि हे हनुमान जी, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत विरंची कहा कोई चीज ना, जब रावण ही ब्रह्म बन गया, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जब चलते समय उनसे कहा था कि विकल हो सीते कपि के माने, जब जब किसी वानर के द्वारा विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए, तब जाते हूँ निशिचर संहारे, उस समय जान लेना कि राक्षसों का अंत हो गया। बोलो श्री राम राम चंद्र की, हनुमान जी आज वो समय आ गया, आज वो समय आ गया, आपने मुझे भूसा मारा, मैं पहचान गई ही कपिराज आप ही हैं, अब रघुवीर आवेंगे और निश्चित रूप से लंका का अंत होगा। बोलो श्री रावण, लंका रावण के लिए बनाई नहीं हुई थी, लंका को भगवान शिव के लिए बनवाया गया था, विश्वकर्मा पुराणी दंत कथा के अनुसार माता सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि हम कैलाश पे ही रहते हैं, अपने लिए घायल होना चाहिए, तब भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी से कहकर लंका का निर्माण करवाया था। भगवान जो ही लंका में माता के साथ प्रवेश करने को हुए, सब देवताओं ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि शिव धैर्य उड़ना एक बार घुसे बाहर आने का काम है, सृष्टि का सारा बैलेंस बिगड़ जाए। यह विचार करके देवताओं ने भगवान से लंका को दान के रूप में मांग लिया और यह लंका कुबेर को मिल गया और कुबेर से फिर रावण के पास आया। इस प्रकार लंका का निर्माण भगवान स्वयं आशुतोष चक्रपाणि शंकर कर करवाया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कथा सुना रहे हैं भगवान श्रीराम का प्रसंग, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लंका में उनका प्रवेश हो रहा है, उस समय की कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं, कह रहे हैं, उमा अनुभव और शंख
चिन्हित थे। जब हनुमान जी ने शंख चक्र को चिन्हित देखा तो उन्होंने पहचाना कि यह जरूर किसी राम भक्त का घर है। हनुमान जी उधर पहुंचे थे कि श्री राम का स्मरण करते हुए विभीषण जी खड़े हो गए। हनुमान जी को बड़ा विचार हुआ कि यहां पर राम का स्मरण करने वाला वो विभीषण जी बाहर आए, भगवान को देखा। विभीषण जी ने देखा भगवान हनुमान जी सामने खड़े, उनसे परिचय किया। उमा संत की यही बड़ाई और मंद कर्म जो करे। विभीषण जी अपना परिचय दे तो विभीषण जी ने सारी बात हनुमान जी को समझाई। हनुमान जी ने माता सीता के विषय में पूछा। विभीषण जी ने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका के विराजमान है, आप जाएं और उनका पता। हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे पहुंचे, वहां सीता जी को देखा। छोटा रूप बनाकर दिन का समय था, प्रातः काल होने हनुमान जी पूरा दिन उसी वृक्ष के नीचे छिपे रहे। किसी तरह हनुमान जी ने दिन बिताया। संध्या का समय हुआ, हनुमान जी रावण आया। रावण ने आकर के माता सीता को बहुत प्रकार से धमकाया, डांटा, फटकार लगाई कि शोभित तुम उनसे शादी कर लो। इस प्रकार समझा बुझाकर रावण वहां से चला गया। रात्रि के समय में हनुमान जी महाराज ने माता सीता के सामने मुद्रिका डाली। माता सीता ने मुद्रिका पहचान कर हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, उन्होंने बहुत प्रकार से समझाने पर माता सीता के मन में विश्वास नहीं हुआ कि यह वानर भगवान श्री राम का गुरु है। तब हनुमान जी ने कहा कि सत्य कहूं मैं मातु जाने की सत्य शपथ करुणानिधान की, मैं करुणानिधान की सच्ची शपथ खाता हूं हे माता जानकी, यह शहीदानी में ही लेके आया हूं। माता सीता जी ने करुणानिधि का नाम सुना, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्हें बहुत प्रकार से कपि को आशीष दिया। हनुमान जी ने माता सीता को सुख मानकर कहा कि हे माता, आप कहें तो मैं फल कंदमूल फल खा लूं। माता सीता जी ने उन्हें योग्य जानकर उन्हें आदेश दिया कि हाँ पुत्र, खास आप भगवान श्री हरि के चरणों को हृदय में धारण करो और अपने क्षुधा को शांत करो। सभी भक्तों से माता बहनों से निवेदन है, बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, कृपया करके। वैसे भी यह सुंदरकांड संक्षिप्त अर्थात बिल्कुल शॉर्ट में सुनाया जा रहा है, विस्तृत नहीं है, बहुत एकदम छोटे बिल्कुल, इतना तो समय नहीं है, समय ही नहीं अपने पास, समय के अभाव है तो इसे संक्षिप्त रूप में इसे सुने और पुण्य के बारे में जरूरी है। माता सीता ने हनुमान जी से मधुर खान खाने के लिए कहा। हनुमान जी ने हनुमान जी ने उसमें दो कारण सोच जान करके अशोक वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे वो रावण से मिले, रावण से उनकी मुलाकात ना हो। अशोक वाटिका को उजाड़ी, रावण ने अपने दूत भेजे, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। मेघनाथ ने
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी ने अपने आप को उसमें बांध दिया। यह जानकर इस बहाने कम से कम रावण से सामना होगा। हनुमान जी रावण के समक्ष उपस्थित होते हैं। बहुत प्रकार से कपि ने रावण को समझाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हे रावण, तू जिसे जानकी को हर के लिए किया है, तो साधारण स्त्री नहीं है, वह स्वयं जगत जननी जगदम्बिका है। हे रावण, तुम ऐसा नहीं करो, मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरे कहने से जानकी रघुनाथ जी को दे दो और आप उनका भजन करो। शरण गए प्रभु त्याग त्याग, शरण जाने पर प्रभु आपका त्याग नहीं करेंगे। पर रावण को यह बात जचने वाली नहीं थी। मंत्रियों की सलाह के अनुसार रावण ने हनुमान जी की पुच्छ में आग लगा दी। हनुमान जी ने पुच्छ को इतना विशाल बना लिया कि सारे नगर का तेल और कपड़ा उसी पर फट गया, और जो ही उसमें आग लगाई, हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया और एक अटारी से दूसरी अटारी, दूसरी अटारी से फिर अटारी, अटारी अटारी होते हुए हनुमान जी सारी लंका जला ला। पूछ फुजा पूछ फुजाई खोई धरी लखनऊ को पको। हनुमान जी महाराज ने पूछ भुजा कर श्रम को करके थकान दूर करके और सीता जी के सामने जाकर उपस्थित हो गए और माता जी से बड़े विनय भाव से कहा कि हे माता जी, आप मुझे कोई सही दाने दीजिए, जिस प्रकार माँ तो मुझे दीजिए कथन चिन्ह, जैसे रघु नायक को वही दीना, जिस प्रकार रघु नायक जी ने मुझे चिन्ह दिया था, निशानी जी थी, माता आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए। सीता जी ने अपनी चुड़ावनी उतार करके भगवान हनुमान जी को दी और हनुमान जी ने वह चुड़ावनी अपने हाथ में लेकर के माता सीता को बहुत प्रकार से समझाया। माता सीता ने कहा कि हे पुत्र, तुम अजर अमर हो जाओ, तुम धन हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। रघुनाथ जी से जाकर कहना कि हे रघुनाथ जी, अगर एक मास की अवधि में आप मुझे वहां से नहीं ले गए तो मुझे जीता नहीं पाओगे। हनुमान जी ने माता से कहा कि हे माता जी, इसी प्रकार धीरज रखिए, भगवान यहां आवेंगे और आपको ले जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने माता सीता से विदा मांगी और हनुमान जी ने गर्जना करते हुए और वहां से वापस श्री राम जी के पास उड़ान भर दिया। बोलो श्यामजी रामचंद्र की। उनके चेहरे पर हंसी आ गई कि सीता जी का पता लगा कि हनुमान जी आ गए और वो जो ही श्री राम जी सब वानर सेना सहित श्री राम जी के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने श्री राम जी से अपना सारा हाल कह सुनाया। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, मत मुझसे कभी वर्ण नहीं हो सकता, तुम्हारे इस प्रकार का भला मैं कैसे चुका। भगवान ने सभी वानर सेना को आदेश दिया कि अब विलंब किस बात का, अब विलंब के कारण कीजिए, अब विलंब न करें और तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करें। सुग्रीव की सारी वानर सेना, क्योंकि वानर सेना के राजा सुग्रीव है, सारी वानर सेना आगे आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और हनुमान जी के पीछे सेना लंका की तरफ पूछ करने लगी। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री राम सागर के किनारे पहुंच गए। भगवान ने सागर से प्रार्थना उनका ध्यान किया। इधर विभीषण से जो रावण को बहुत प्रकार से समझाया कि हे भाई, आप ऐसा न करें, मोरी कहीं जानकी दीजिए, मेरे कहने से आप सीता जी को लुटा दीजिए।
ये भगवान श्री राम है, कोई साधारण अवतार नहीं, साधारण मनुष्य नहीं है, ये सभी जगत में स्वामी है। हे राजा रावण, आप मेरे कहने से इन्हें जाने, जब नहीं कहा तय लगे नहीं चल प्रहार की सकते। जब रावण को वैद ही सीता जी देने के लिए कहा तो उसने चल प्रहार करके विभीषण को ठोकर मारी। विभीषण जी उसी समय बार बार उनके पैर पकड़ते रहे और रावण ने उनकी एक नहीं मानी। विभीषण जी वहां से लौट कर भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने श्री राम जी से मित्रता की। भगवान श्री राम ने उन्हें अपना मित्र स्वीकार किया और सागर के जल से उनका राज्याभिषेक करके उन्हें लंका का अधिपति अर्थात लंका का स्वामी बना दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपनी मित्रता निभाई। इसमें भी हनुमान जी का ही योगदान था। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को समझाया था कि हे प्रभु, जब मैं लंका में गया था भीष्म से मेरी मुलाकात हुई थी, इसे राक्षस नहीं था। इधर सागर की भक्ति करते हुए उनका ध्यान करते हुए भगवान को तीन दिन भी मिले। विनय न मानन जल दी जड़ गई, तीन दिन भी बोले राम सकुन तो भय भी न हो। तीन दिन जब भगवान श्री राम को बीत गए तो भगवान श्री राम ने कहा क्रोध में आकर कि भय के बगैर प्रीति नहीं। लक्ष्मण बाण सरासर आदि सोसो बारिद विशिष्ट प्रसाद सर सर विनय कुटिल सर प्रीति सहज नपन सर सुंदर ममता रत्सर ज्ञान कहानी अति लोभी सर दुर्गति। हे लक्ष्मण तुम मेरा धनुष बाण लेके आओ, क्योंकि मूर्ख के साथ सच समय विनय नहीं करना चाहिए, कुटिल के साथ कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार प्रभु राम ने बाण का संधान किया, अग्निअस्त्र का संधान किया, उसमें ज्वालाएं लपटे निकलने लगी जिसने सागर के विनय को विदीर्ण कर डाला। सागर में जलन पैदा हो गई, उसमें रहने वाले जीव जंतु जलने लगे। सागर बाहर आया, प्रभु से क्षमा याचा और प्रभु को बहुत प्रकार से समझाया कि हे दयानिधि, मेरी मर्यादा तो आप ही ने बनाई थी, आप ही ने मुझे मर्यादित किया था, भला मैं इसका उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। अतः हे रघुनंदन, आपने इस धृष्टता को क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा कि अब मैंने जो बाण चढ़ा लिया, संधान कर लिया, इस बाण में ऐसे पास हो जाऊं। तब सागर ने कहा कि मेरे उत्तर दिशा में बहुत से राक्षस रहते हैं, प्रभु आप उन पर यह बाण छोड़ दीजिए। भगवान ने उत्तर दिशा में बाण को छोड़ दिया जिससे अनेक असुरों का संहार हुआ। सागर ने कहा कि प्रभु नल नील दो भाई हैं, लड़काई ऋषि आशीष पाई, बालिश अवस्था में उन्होंने आशीष प्राप्त किया था कि वो जिस पत्थर को हाथ लगा देगी वो पानी में नहीं डूबेगा। हे दयानिधि, आप नील के हाथों से फूल का निर्माण करवाए। इस प्रकार सागर ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके उनसे विनय करके उनकी पूजा करके वहां से प्रस्थान किया। बोलो सियावर राम चंद्र की। यहाँ पे सुंदरकांड समाप्त होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने रामायण के अलावा भी ऐसे अनेकों कार्य किए, देवताओं की भलाई की। अर्जुन को अहंकार हुआ, हनुमान जी ने ही दूर किया। भगवान के सुदर्शन को अहंकार
हो गया, गरुड़ जी को अहंकार हो गया, तो भी हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी तो अहंकार को कभी जानते ही नहीं, और हनुमान जी महाराज की मदद से ही भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की। हनुमान जी महाराज को और साक्षात भगवान शिव है, शिव के अवतार है, अर्थात शिव भगवान शंकर स्वयं भगवान श्री राम की पग पग पर सेवा करते आ रहे हैं। बोलो हनुमान जी।